गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत मिली है। 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में जमानत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छोटा राजन को जमानत दी है। 1,00,000 रुपए की मुचलके पर जमानत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मामले में छोटा राजन को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अब देखिए जमानत छोटा राजन को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत मिली है। 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में ये जमानत छोटा राजन को मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने छोटा राजन को जमानत दी है। 1,00,000 रुपए के मुचलके पर ये जमानत दी गई है। इससे पहले मामले में छोटा राजन को उम्र कैद की सजा हुई थी। सत्यप्रकाश सोनी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से इस दौरान कहा गया? देखिए, छोटा राजन को 1,00,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। और जया शेट्टी मामले में वह कन्विक्टेड थे, वह आरोपी बनाए गए थे और इस पूरे मामले में उन्हें लाइफ लगी थी। लेकिन अब चूंकि मुंबई कोर्ट की तरफ से ये उन्हें बड़ी राहत दी गई है और उन्हें जो है जमानत दी गई है। हालांकि पूरे मामले में जो है सबूत जुटाने के लिए भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि और भी जो आरोपी है इस पूरे मामले में उनके खिलाफ भी सबूत को जुटाया जाए। लेकिन इस बीच छोटा राजन को बड़ी राहत देते हुए 1,00,000 के मुचलके पर उन्हें जो है कोर्ट ने राहत दी है, जमानत दे दिया। क्या शर्तें रखी गई है जमानत की? देखिए, अमूमन बड़े केसेस में यही होता है कि आपको आउट ऑफ मुंबई मतलब देश से बाहर नहीं जाना है। और इसके अलावा एयरपोर्ट पे भी उनके पासपोर्ट का वेरीफाई कॉपी रखी जाएगी जिससे वो बाहर नहीं जा सके। इसके अलावा उन्हें जो है समय समय पर जो गाइडलाइन संबंधित पुलिस स्टेशन की होगी वहां पर आपको हाजिरी लगानी होगी। और इसके अलावा पुलिस की निगरानी में आपको जो भी एक्टिविटी करनी है पुलिस की निगरानी में करनी होगी। और आप जो है जो कोर्ट की अनुबंध दिया गया है उस अनुबंध का अगर पालन नहीं करते हैं तो आपको उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह की गाइडलाइन होती है जो बड़े केसेस में है। ठीक उसी तरह से छोटा राजन को भी एक अनुबंध में बांधा गया है, इसी अनुबंध के तहत उन्हें पालन करना होगा। और फिलहाल जो केस उनके खिलाफ चल रही है उनके जो तमाम सबूत है उसे इकट्ठा करने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा गया है। जया शेट्टी हत्याकांड का क्योंकि ये पूरा मामला है सत्यप्रकाश, तो ऐसे में क्या जया शेट्टी का जो परिवार है या परिजन है उनकी तरफ से अभी किसी तरीके का कोई रिएक्शन स्टेटमेंट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए हर परिवार यह चाहता है कि जो अपराधी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और खासकर ऐसे अपराध में उन्हें फांसी की सजा मिले। परिवार की तरफ से पहले भी ये कहा गया था। अब जब उन्हें जमानत छोटा राजन को जो अभी आरोपी है उसे जो है जमानत मिल रही है तो जाहिर तौर पर परिवार को एक हताशा निराशा जरूर होगी क्योंकि इस तरह से खुलेआम जया शेट्टी का हत्या करवाना और उसमें शामिल होना, तमाम कॉन्स्पिरेसी में छोटा राजन का नाम आया था, तो इस विषय को लेकर जाहिर तौर पर परिवार थोड़ा आहत है। हालांकि जानकारी है कि परिवार थोड़ी देर में कुछ अपना वक्तव्य मीडिया के सामने रख सकता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि हत्या जैसे अपराध में जो कोर्ट ने एक राहत देने का काम छोटा राजन को किया है। ठीक है, फिलहाल आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।